डीएसए क्यों सीखें जबकि कंपनी के अंदर जाके हमें रोज किसी लिंक लिस्ट पर काम नहीं करना 99% ऑफ जो बड़े स्टार्टअप्स होते हैं अच्छे फंडेड स्टार्टअप्स हैं या फिर जो अच्छी हमारी एमएनसीज है माइक्रोसॉफ्ट गूगल फेसबुक उबर जैसी कंपनीज हो गई वो हमेशा एक ऐसा कैंडिडेट प्रेफर करेंगी जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में फ्लुएंट हो

ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मेन्यू हम स्कैन कर देंगे लेकिन वहीं अगर कोई हमें एक डिक्शनरी दे दे और डिक्शनरी में हमें बीच में से हज़ारों शब्दों में से कोई एक शब्द ढूंढना है तो हमें पता है कि हम शुरू से लेकर आखिर तक उसको स्कैन नहीं करने वाले हम क्या करेंगे हमें पता होगा अंदाजे से कि बीच में इन दोनों वर्ड्स के बीच में कहीं पर ये लाए करता होगा और उस पेपर को उस पेज को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहां पर जो ऊपर से नीचे तक हमने मेन्यू को स्कैन किया इसको हम लीनियर सर्च कहते हैं और ये डिक्शनरी में बीच में कहीं पर जाके हम

करना है दूसरा ये डेटा स्ट्रक्चर्स अब मान लीजिए आपको व्हाट्सएप बनाना है तो व्हाट्सएप पे आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्त को अगर कोई कहानी सुना रहे हैं आज क्लास में ये और टीचर ने ऐसे किया वैसे किया तो आप चाहते हैं कहानी में जो मैसेज आपने सबसे पहले भेजा वो दोस्त के पास सबसे पहले ही जाए उसके बाद दूसरे वाला मैसेज जाए उसके बाद तीसरे वाला मैसेज जाए इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो व्हाट्सएप यहां पे क्यू नाम के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेगा मैसेजेस को स्टोर कराने के लिए वहीं पर अगर हमें मेरे कितने दोस्त हैं मेरे दोस्त के कितने दोस्त हैं यह वाली इंफॉर्मेशन स्टोर करानी होती है जैसे फेसबुक स्टोर कराता है तो उसके लिए वो ग्राफ नाम के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेगा जहां एक नोड होता है और उससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स होते हैं उनकी स्टोर होती है और उनके नोड्स की भी स्टोर होती है तो इस तरीके से कौन से केस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज करना पड़ेगा कौन सा कंटेनर यूज करना पड़ेगा इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चरिद को यूज करने के कुछ कुछ फायदे होते हैं इनमें से सबसे बड़ा फायदा होता है कि डीएसए जब आपको आता है तो आपका लॉजिक बहुत

तरीके से अरेंज करना है वो आपको आना चाहिए और कौन से डेटा पर कैसे अल्गोरिदम्स अप्लाई करने हैं तो उससे नाए नाए को करने में, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा दूसरा ये कि डेटा स्ट्रक्चर आपको ऑप्टिमाइज कोड लिखना सिखाते हैं यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसको फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन में कैसे पॉसिबल कराना है मतलब आपका कोड बहुत सबसे जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए सबसे कम टाइम ले एग्जीक्यूट होने में क्योंकि जब आप कोई भी ऐप यूज करते हैं कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो आप नहीं चाहते कि वो बफर करती रहे बफर करती रहे बफर करती रहे आप नहीं चाहते कि कुछ भी जो आप आजकल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो स्लो हो इसीलिए हर एक टेक्नोलॉजी को इस तरीके से लिखा जाता है कि वो फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन आपको दें तो वहां पर हमारा डीएसए हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है फिर चाहे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो आपको दिन में उठकर ये नहीं सोचना लिंक लिस्ट क्या करती है स्टैक क्या करता है पर वहां पर अगर आपको कोई बहुत बड़ा स्केलेबल सिस्टम बनाना हो अच्छा सिस्टम बनाना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने

से लेकर आपको ग्राफ्स डीपी इनफैक्ट आप सेगमेंट ट्रीज के भी बेसिक कर लेंगे ट्राइज कर लेंगे तो उतना आपको पता होना चाहिए उसकी भी एक एक्सटेंसिव लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तीसरी जो कैटेगरी मैं यहां पर लूंगी वो है हमारे स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स अब startups के अंदर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हैं ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि क्या वो डीएसए राउंड रखती हैं या नहीं रखती अगर डीएसए राउंड कंपनी नहीं रखती तो फिर आपको अलग से जाकर डीएसए के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है आप सिंपली जाकर चाहे वेब डेवलपमेंट

साइंस के मार्क्स काउंट भी नहीं करते थे कुछ उसी तरीके का स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, है लेकिन इसी तरीके से जो कोडिंग की पूरी इंडस्ट्री है सारा जॉब का पूरा एटमोस्फेयर है वो सेटल्ड है अब वो जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है वो हमें करने ही करने पड़ते हैं अगर हम एक बहुत अच्छी कंपनी को क्रैक करने का सोच रहे हैं अब इसके अलावा आने वाली कुछ वीडियो में मैं एक पूरा लिस्ट

आ सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग